हाँ दोस्तों, पहले COVID-19, फिर साइक्लोन और अब GDP का गिरना। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि COVID-19 क्राइसिस 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट की है इकोनॉमी पे। अब आप कहोगे कि इन्हीं दोनों रीजन्स की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है GDP के गिरने पे। मूडीज की रेट में हाल ही में 2.5% का कट आया है GDP के इंडिया के गिरने में, लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके कारण GDP गिरी है। आइए देखते हैं कौन से हैं वो फैक्टर्स। इकोनॉमी प्रोडक्शन लेवल एकदम गिर चुका है। अगर हम बात करें कंजप्शन में, तो सिर्फ ग्रोसरी से कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि सप्लाई से अलावा नहीं कर रही है गुड्स की सप्लाई में, और मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स, जो इंडिया में सबसे जॉब्स देता है, एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, इन सभी पे लॉकडाउन का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम गिरने लगी है। अगर हम बात करें जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सब में एम्प्लॉयज में कट ऑफ आने लगा है, सब में एम्प्लॉयज ले ऑफ होने लगे हैं। 23% वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो चुकी है। ये सबसे बड़ा रीजन है GDP के गिरने का। तो लोकस्ट अटैक का एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी GDP में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इन लोकस्ट का एक स्वयं 35,000 पीपल से खाना एक दिन में खा सकता है, और इन लोकस्ट का एक स्वयं 80 मिलियन लोकस्ट कंटेन करता है। और ऐसे इंडिया में 10 स्वयंस हैं, मतलब टोटल इंडिया में 800 मिलियन लोकस्ट है। अगर हम बात करें डैमेजेस की क्रॉप्स की, तो इन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1,23,500 एकड़ की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है। अरबियन सी से उठे साइक्लोन निसर्ग ने इन लोकस्ट की ब्रीडिंग में बहुत ही मदद की, और इन लोकस्ट की अगर हम स्पीड की बात करें तो 150 किलोमीटर डे ये लोकस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ये लोकस्ट आसानी से बहुत ही दूर तक की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। GDP के नीचे गिरने में या GDP को ऊपर उठने में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें इंडिया के, जिससे इंडिया की GDP काफ़ी गिरी हुई है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी गिरे होंगे, क्योंकि 50% ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए हैं लॉकडाउन की वजह से। पूरी एजेंसी बराबर काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्केट में ना ही डिमांड है और ना ही सप्लाई है COVID-19 की वजह से, और मोस्टली डिपार्टमेंट शट डाउन हो गए हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड, और सभी कंट्री ने अपने बैरियर लगा दिया है ट्रेड से रिलेटेड COVID-19 की वजह से। मेरी राय में दोस्तों यही सब रीजन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है GDP को गिनने में। अगर आपकी राय में कोई और रीजन है तो कमेंट करिए, क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ आपके कमेंट जानने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। नमस्कार।